और भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। ये केसीआर की पार्टी पिछड़ा विरोधी पार्टी, उन्होंने 2014 के चुनाव में वादा किया था कि अगर वो जीतते हैं तो दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे। दो बार वो स्वयं बन गए और तीसरी बार अब केटीआर को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इस बार होने वाला नहीं है, मगर वो तैयारी कर रहे हैं। और पिछड़ा वर्ग का भी भरपूर शोषण करने का काम केसीआर की पार्टी ने किया है, बीआरएस ने किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने तीनों पार्टियों में सबसे ज्यादा 39 बैकवर्ड क्लास को टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मोदी जी ने वादा किया है कि आप भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दीजिए, तेलंगाना का अगला मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास से होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का सार्वजनिक वादा है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है, कालेश्वर परियोजना हो, शराब घोटाला हो, पोल्ट्री चारा घोटाला हो, ग्रेनाइट घोटाला हो, बाईपास घोटाला हो, और लगभग कार्तिकीय मिशन में 22,000 करोड़ का बजट के सामने पूरा खर्च होने के बाद 65-65% भी काम पूरा नहीं हुआ है। घोटालों की एक बड़ी लंबी सूची केसीआर ने 10 साल के अंदर तैयार की है और उनको अब डर भी नहीं रहा है, क्योंकि हर आदमी पहली बार कुछ गलत करता है तो डरता है, दूसरी बार करता है तो थोड़ा कम डरता है, करते करते इन्होंने इतने घोटाले कर दिए कि अब डर भी नहीं बचा है, निर्लज्जता के साथ वो घोटाले कर रहे हैं। और अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीति, केसीआर साहब का चुनाव चिन्ह कार है, मगर कार का स्टीयरिंग उनके हाथ में नहीं है, मजलिस के हाथ में है। कोई भी फैसला करना हो, मजलिस क्या कहेगी वो सोच कर फैसला कहते हैं। पूरे देश भर में एकमात्र राज्य तेलंगाना ऐसा है जहां मुस्लिमों को रिलीजियस रिजर्वेशन देने का काम हुआ है, एक गैर संवैधानिक। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि गैर संवैधानिक रिजर्वेशन को समाप्त कर ओबीसी को रिजर्वेशन हम बढ़ाएंगे, एससी एसटी का भी न्यायिक रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। उन्होंने ढेर सारे ऐसी घोषणाएं की हैं, मैं इसको रिपीट करना नहीं चाहता। मैं तेलंगाना की जनता को यही कहना चाहता हूं, तेलंगाना जिस आशा उमंग और उल्लास के साथ राज्य की रचना हुई, 10 साल में बीआरएस पार्टी पूर्णतया विफल गई। सिर्फ तांत्रिकों की एडवाइस पर चलते हैं और तांत्रिकों की एडवाइस पर पार्टी का नाम भी बदल देते हैं। मैं तेलंगाना के युवाओं को पूछना चाहता हूं कि जो तांत्रिकों के सलाह के आधार पर चलते हो, ऐसा मुख्यमंत्री तेलंगाना का भला कर सकता है क्या? आपका भविष्य संवार सकता है क्या? मैं तेलंगाना की जनता को भरोसा देने आया हूं, साथ में हमारा संकल्प पत्र लेकर आया हूं। ये मोदी गारंटी, हमारा संकल्प पत्र आने वाले दिनों में तेलंगाना को उस ऊंचाई पर पहुंचाएगा जिस ऊंचाई के लिए सैकड़ों तेलंगाना के युवाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और तेलंगाना की कल्पना की थी। मित्रों, अब मैं हमारी घोषणा पत्र की 25 मुख्य बातों पर आता हूं। पहली घोषणा है कि हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे मनाया जाएगा, जिसके माध्यम से हम निजाम के क्रूर पंजों से तेलंगाना की मुक्ति को फिर से एक बार नई पीढ़ी को याद कराएंगे। हम बैरनपल्ली परकल के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 27 अगस्त को रजाकार विभीषिका स्मृति दिन भी मनाएंगे, जो रजाकारों के सामने तेलंगाना की जनता ने जो लड़ाई लड़ी है इसको चीर स्मृति तक ले जाएंगे। और ये दोनों दिन
ऑफिशियल तेलंगाना गवर्नमेंट मनाएगी कोई डर के बगैर। हम मजलिस से नहीं डरते हैं, इनके सपोर्ट की ना जरूरत है ना चाहिए। इसके अलावा रजाकारों और निजाम के खिलाफ तेलंगाना के लोगों के संघर्ष का डॉक्यूमेंटेशन कर एक म्यूजियम और मेमोरियल हम स्थापना करेंगे। नंबर दो, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हमारी सरकार का होगा। भ्रष्टाचार के सभी आरोपों की जांच एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज से कराएंगे और उचित पिनल कोड में कार्यवाही कर भ्रष्टाचार करने वाले सभी लोगों को जेल की सलाखों के पीछे ले जाएंगे। मार्जिनलाइज सेक्शन की आकांक्षाओं को, पिछड़ा वर्ग की आकांक्षा को पूरा करने के लिए, बैकवर्ड्स की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, उनको सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए हमारा अगला मुख्यमंत्री बीसी बैकवर्ड क्लास का होगा, इसका तेलंगाना को भारतीय जनता पार्टी वादा देती है। असंवैधानिक धर्म आधारित आरक्षण जो 4% है उसको हम समाप्त करेंगे, ओबीसी का बढ़ाएंगे और एससी और एसटी का भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण बढ़ाया जाएगा। महंगाई कम करने के लिए मोदी जी ने कई बार वहां पर ड्यूटी कम करी है, परंतु केसीआर ने नीचे वेट घटाकर इसको कोऑपरेट नहीं किया। शायद तेलंगाना सबसे ज्यादा महंगे पेट्रोल डीजल वाला राज्य आज देश भर में है। महंगाई कम करने के लिए भाजपा सरकार बनने के बाद सात ही दिन में पेट्रोल और डीजल पर वैट की कटौती कर पेट्रोल और डीजल को हम सस्ता करने का काम करेंगे। मोदी सरकार प्रति एकड़ अभी एक हिसाब करे तो फर्टिलाइजर सब्सिडी दे ही रही है, परंतु छोटे और सीमांत किसानों को बीज, उर्वरक, उर्वरक और पेस्टिसाइड की इनपुट सहायता में प्रति एकड़ 2500 रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मोदी सरकार हल्दी बोर्ड की स्थापना की जो घोषणा करी है, इसको हम हल्दी प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित कर इसके सपोर्ट में रहेंगे और मूल्य संवर्धन और निर्यात को बढ़ावा देंगे। धान पर, चावल पर 3100 रुपया MSP और हल्दी के लिए आवश्यक मार्केट इंटरवेंशन फंड हम प्रदान करेंगे, तो पूरा चावल एक दाना भी नहीं छूटेगा, पूरा धान 3100 रुपया प्रति क्विंटल हम परचेज करेंगे। इसके साथ साथ जाड़ा चावल जो होता है उसको KCR नहीं खरीदते हैं, भारत सरकार पर दबाव बना रहे हैं। हम वादा करते हैं कि बॉइल्ड राइस को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार MSP पर खरीद कर किसानों की मदद करेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त फसल बीमा का लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। उज्ज्वला लाभार्थियों को साल में 4 गैस सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। जो बेटी जन्म लेगी उसको इस वक्त एक फिक्स डिपॉजिट देंगे, जो 21 साल की आयु की जब बेटी होगी तब 2,00,000 रुपये की होगी फिक्स डिपॉजिट। इस प्रकार का हम जन्म के साथ ही तोहफा हमारी सरकार की ओर से देंगे। स्नातक डिग्री या प्रोफेशनल कोर्सेज में छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप दिया जाएगा। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को सिर्फ 1% ब्याज पे ऋण प्रदान किया जाएगा और UPSC की परीक्षाओं की तर्ज पर 6 महीने की पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से ग्रुप ए और बी की परीक्षाओं TSPSC के माध्यम से तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से देंगे। हम वादा करते हैं ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगा, एक भी पेपर लीक नहीं होगा और हम 5 साल में
2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना सरकार करेगी। इच्छुक सीमांत किसानों को मुफ्त में देसी गाय देने का काम करेंगे, जिससे उनका जीवन सरलता से वो गुजार पाए। सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार 10 लाख रुपए का कवरेज हम इनको प्रदान करेंगे। कृष्णा के लिए, नदी के लिए पानी का उचित हिस्सा तेलंगाना को मिल पाए, इसलिए हम कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 के समक्ष मामले का अच्छे तरीके से पेश भी करेंगे और तेलंगाना को अपना हक दिलाएंगे। प्रत्येक माह की पहली तारीख को कर्मचारियों को और सेवानिवृत्त लोगों को, रिटायर्ड लोगों को वेतन और पेंशन मिलेगा। केसीआर की सरकार की तरह राह नहीं देखनी पड़ेगी और भाजपा सरकार जो बनेगी वो तेलंगाना में UCC लाने के लिए, समान नागरिक संहिता लाने के लिए भी एक कमिटी बनाएगी, जो 6 माह के अंदर तेलंगाना के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगी। केंद्र और राज्य सरकार से के प्रयासों से बिना घर वाले सभी लोगों को समयबद्ध तरीके से हम घर उपलब्ध कराएंगे। गांव में गरीब लोगों को आवास स्थल के लिए पट्टे देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और वरिष्ठ नागरिकों को 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, तेलंगाना के सभी वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क अयोध्या की यात्रा की सुविधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और हमारे तेलंगाना के बहुत सारे NRI है और विशेषकर खाड़ी में बहुत सारे लोग बसते हैं, इनकी सुविधा के लिए और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने के लिए एक फंक्शनल NRI मंत्रालय की रचना की जाएगी, जो दुनिया भर में बसे हुए तेलंगाना वासियों को सहायता प्रदान करेगा। और सबसे बड़ी बात, एक डबल इंजन सरकार केंद्र सरकार की सहायता लेने में कोई छोच नहीं रखेगी। अभी KCR केंद्र सरकार की योजनाओं को नीचे नहीं उतरने देते हैं। हम नरेंद्र मोदी सरकार की सभी योजनाओं को गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचाकर तेलंगाना भला करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं तेलंगाना की जनता को इतना ही कहना चाहता हूं, तेलंगाना के युवाओं ने जिस आशा के साथ अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और तेलंगाना राज्य की स्थापना की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हरदम प्रयास रहेगा कि वो सभी सपनों को, वो सभी आकांक्षाओं को और वो सभी आशाओं को पूरा करेंगे। और ये हमारा सिर्फ वादा नहीं है, ये मोदी गारंटी है, इसको हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।